अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। मिलने को दिन रात तड़पेगा, नाम लिख कर जला दो, जो देखता तक नहीं था वो दौड़ कर आएगा। आपका महबूब जो देखता तक नहीं था वो मिलने को दिन रात तड़पेगा, वो खुद कहेगा मुझे आपसे मुलाकात करनी है। अगर आप अपने महबूब से मिलना चाहते हैं, अगर आप अपने महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका महबूब खुद मिलने को आए, खुद दौड़ कर आए, आपसे मुलाकात करे या आपसे बात करे या आपसे मोहब्बत करे या मोहब्बत का इजहार करे, जो महबूब आपसे मिलता तक नहीं था, देखता तक नहीं था, सुनता तक नहीं था, वो आपके गुन गाए, आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए, तो आप ये ताबीज कर सकते हैं। ये तावीज एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने या तकलीफ देने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की रहनुमाई और भलाई करने के लिए है। अगर आपका महबूब संग दिल है, हो सकता है आपके हस्बैंड भी हो, आपके शोहर भी हो, आपकी बीवी भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जो एक दूसरे से नफरत पैदा कर हो गई है, एक दूसरे से नफरत पैदा हो गई है, तो उनके दरमियान भी इस तावीज के जरिए से मोहब्बत पैदा की जा सकती है। तो आइए जानते हैं ये तावीज किस तरीके से काम करेगा, इसको किस तरीके से करना है। इसको करने के लिए, बनाने के लिए साफ सुथरा कागज ले लेना है, बिल्कुल ब्लैंक सादा ऐसा पेपर ले लेना है, और घर में या बाहर से कहीं से भी कोई एक पेन ले लेना है, चाहे डॉट पेन हो, जेल पेन हो, मार्कर हो, परमानेंट मार्कर हो, कोई भी हो चलेगा। और बेहतर है कि आप जाफरान से लिखने, अगर आपके पास जाफरान है तो फिर आप जाफरान का इस्तेमाल करें, ना हो तो फिर आप किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि इसको बनाने के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, कोई साथ मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन किसी भी टाइम बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से जब बॉक्स बन जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है मीम, फिर यहाँ पे भी लिखना है मीम, फिर यहाँ पे लिखना है मीम, यहाँ पे लिखना है मीम, फिर लिखना 2 6 1, फिर लिखना ऐन अलिफ किफ अलिफ सीन अलिफ बिल्ला। इसमें देखें स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे बनाए वैसे बनाना, और ये 3 1 3 ये आपको लिख लेना है। और इसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी के नीचे नंबर नहीं लिखना है, तावीज के नीचे आपको महबूब का नाम लिखना है। महबूब लड़का है तो बिन लगा के उसकी माँ का नाम लिख दें, लड़की है तो बिनते लगाएं और उसकी माँ का नाम लिख दें, फिर उसी के नीचे अपना नाम लिख दें। महबूब अगर लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लगा कर उसकी माँ, अपनी माँ का नाम लिखना है। पहले अपना नाम फिर अपनी माँ का नाम लिखते हैं आप। सबसे पहले महबूब का नाम, बिन या बिनते लगा कर उसकी माँ का नाम, फिर अपना नाम, फिर बिन या बिनते लगा कर अपनी माँ का नाम लिख लें। इसमें अलहुब और आलाहुब नहीं लगेगा, यह ऐसे ही काम करेगा। इसमें अलहुब और आलाहुब ना लिखें, ऐसे ही ये तावीज काम करता है। और उसके बाद में जब ये तावीज मुकम्मल हो जाए तो इस तावीज को छोटा कर लें, बना लें, और बनाने के बाद में हरे कपड़े में बांध कर, ग्रीन कलर के कपड़े में बांध कर, इसे किसी दरख्त में यानी कि पेड़ में ले जाकर बांध देना है। ग्रीन कलर कोई भी हो सकता है, हल्का ला लाइट डार्क कोई भी हो सकता है, किसी में भी करके आप बांध दें। पहना हुआ हो, बगैर पहना हुआ हो, नया हो, पुराना हो, कोई भी कपड़ा हो, इससे कोई मसला नहीं है, ले जाकर दरख्त में बांध दें। इंशाअल्लाह ताला जो महबूब आपसे बात नहीं करता था वो दौड़ कर आएगा, आपसे बात करेगा, मुलाकात करेगा। याद रहे इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आप सीख भी सकते हैं और इससे फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है तो आप हमें इस नंबर पर बता सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।